हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं यू लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स। आज के इस वीडियो में हम आपको होम थिएटर के साउंड की रिपीटिंग के बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरे पास एक होम थिएटर है। तो यहाँ पे इसका प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ जो ऑडियो आउटपुट होता है, यहाँ पर जैसा कि देख सकते हो आप, ऑडियो आउटपुट यहाँ पर लेफ्ट राइट चार है, 4.1 है। तो इसमें दो चैनल काम कर रहा है और दो चैनल में साफ आवाज़ नहीं देता है। तो एक में अच्छा साउंड देता है और एक में क्लियर साउंड नहीं देता है। तो सबसे पहले मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे तो ये वाला जो नीचे आपको दिख रहा है, राइट का और राइट साइड का, ये दोनों हमारा काम कर रहा है। और ये वाला जो है इसमें काम करता है लेकिन हमारा क्लियर साउंड नहीं देता है। तो यहाँ इसमें क्लियर साउंड नहीं देता है दोस्तों। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले हम बैक साइड को खोल लेते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों, ये अंदर वाला भाग है और यहाँ पे जो इस होम थिएटर में आईसी यूज किया गया है, ये 20-30 का है। यहाँ पे 3 20-30 आईसी लगे हुए हैं जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे। तो सिंपली हमें क्या करना होगा कि तीनों आईसी को हम चेक करेंगे कि हमारा कौन सा आईसी ख़राब है जिससे हमारा क्लियर साउंड नहीं आता है। तो यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं, ये वाला जो है हमारा बूफर के लिए है और ये दोनों साउंड के लिए है। ये वाला आईसी जैसा कि देख सकते हैं, ये दोनों आईसी हमारा साउंड के लिए है और ये बूफर के लिए है। तो हमारा बूफर भी अच्छा काम कर रहा है, जो कि अंदर सब बूफर लगा हुआ है और एक चैनल भी काम कर रहा है अच्छा से। तो यहाँ पर हम सिंपली तीनों आईसी को चेक कर लेते हैं। हमें क्या करना होगा कि मल्टीमीटर को हम सिंपली कंटिन्यूटी वाले पर पॉइंट कर लेंगे। जो हमारा रेड वाला प्रॉप्स है उसको हम इस हीट सिंक पे लगा लेंगे और यहाँ पे हम चेक करते हैं सबका जो कितना हमारा है। यहाँ पे वैल्यू बता रहा है, तो जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे रख लेना है। और यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं, ये पहला पिन है आईसी का, तो यहाँ पे हमारा रीडिंग करके हट जा रहा है जैसा कि देख सकते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं, 4 नंबर पिन पे हमारा कुछ ज़्यादा रीडिंग बता रहा है। यहाँ पे 642-643 के आसपास बता रहा है और यहाँ पे जैसा कि जो देख सकते हैं, यहाँ पे 537 बता रहा है। तो यहाँ पे हमारा रीडिंग ज़्यादा बता रहा है, तो ये आईसी में थोड़ा सा फॉल्ट है, इसीलिए हमारा वो साउंड जो है क्लियर नहीं दे पा रहा है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करेंगे कि इस आईसी को हम चेंज कर लेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, मैंने यहाँ पे जो खराब आईसी था इसको यहाँ पे निकाल लिया है। अब हम इसमें न्यू आईसी को डालकर सोल्डिंग करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, मैंने यहाँ पे पुराने वाले आईसी को हटाकर न्यू वाले आईसी को लगा दिया है। तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर, तो चलिए अब हम इसका साउंड क्वालिटी चेक करते हैं। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे इसमें सप्लाई दे दिया है और जैसे कि आपने देखा कि नीचे वाला हमारा सही था और ऊपर वाला में साउंड हमारा क्लियर नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे आईसी चेंज करने के बाद हमारा देखते हैं कि हमारा साउंड अच्छा आ रहा है या फिर वैसा ही आ रहा है। तो जैसे कि देख सकते हैं, तो नीचे वाला हमारा सही काम कर रहा है, ऊपर वाला भी हमारा अच्छा काम कर रहा है। हमारा देख सकते हैं दोस्तों कि जैसा कि आपने देखा कि हमारा ये चारों अच्छा से काम करने लगा। इस तरीके से आप अपने होम थिएटर में जो साउंड प्रॉब्लम होगा वो ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।